मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के इस कॉलेज रोड रहमगंज दरभंगा बाय विजेंद्र मोहन। हमारे यहाँ 11 12th के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के इस कॉलेज रोड रहमगंज दरभंगा। क्वाइनर इंग्लिश क्लासेस न्यू गंगा सागर कॉलोनी प्लस टू सर्वोदय हाई स्कूल के बगल में बाई जी के झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें क्वाइनर इंग्लिश क्लासेस लोकस क्लासेस मैथ बाय आलोक कुमार। बंगाली टोला और मौलागंज में स्थित। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस भटियारी सराय दरभंगा। डायरेक्टर इंजीनियर प्रेम कुमार अब दरभंगा में कोटा जैसी पढ़ाई। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स। एज मैथमेटिक्स खान चौक मेन रोड मौलागंज दरभंगा बाई आर के झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें एज मैथमेटिक्स। दरभंगा में कई संस्थानों में आजकल भी छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना बढ़ती जा रही है। सोमवार को ऐसा ही मामला प्रकाश में आया जब पब्लिक स्कूल लालबाग के छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए शिक्षकों के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है कि मोहल्ले के अभिभावकों के द्वारा स्कूल की घेराबंदी की गई और वहाँ पहुँच कर स्कूल के शिक्षक की पिटाई की और प्रचार से इस सवाल को जाना चाहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंचकर शिक्षक को अपने कब्जे में ले लिया। गौरतलब है कि शिक्षक प्राचार्य को कब्जे में लेकर स्कूल को सील कर दिया गया है और मामले की जांच चल रही है। सूचना मिली कि स्कूल में कुछ बच्ची जो पढ़ती है टीचर एवं अन टीचर के द्वारा जो है कि गलत पिक्चर दिखा करके उसके साथ छेड़खानी किया गया है। इस संबंध में टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रिंसिपल को भी तत्काल जो है कि अपने अच्छी में लेकर के आवश्यक पूछताछ हेतु उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जितने भी प्रकार के मैसेज हैं सभी को हम लोग कलेक्ट कर करके उन लोगों पर जो लोग इस हरकत को किए हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, सजा दिलाएंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे कि इस तरह की घटना पुनः दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। लोग जाने कि टीचर हो या कोई भी हो सभी पर कार्रवाई होती है। छेड़खानी और शर्मनाक घटना की बात सुनते ही जब पुलिस पहुंची तो पूरे मामले की तहकीकात करने लगी। पुलिस ने उन छात्राओं से भी पूछताछ की और छात्राओं ने खुलकर बताया, जिससे आक्रोशित आम जनता को संतुष्ट करने के लिए पुलिस ने तत्काल स्कूल को सील कर दिया। काफी शर्म का विषय है कि छेड़खानी मामले और अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में एक अच्छे स्कूल को सील किया गया है और प्राचार्य इस पर पूरी तरह खामोश रहे। मंडल पदाधिकारी को भी बुलाया गया है, वो भी आ गया है और इस पर जो है कि अगर इस तरह के प्रिंसिपल और अन्य टीचर की संलिप्तता पाई जाएगी तो विधि सम्मत इस स्कूल को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल तत्काल जो है कि बंद कर दी गई है, सभी बच्चे अपने अपने यहाँ से सर्च करा लिया गया है, चले गए हैं। इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जो बैकग्राउंड उस पर जाँच किया जाएगा, अगर बैकग्राउंड होगा तो वो भी अत्यंकित करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। क्या है कि गुस्सा होना लाजमी है। ये ऐसी घटना है जो टीचर जो देश को बनाते हैं बच्चे के और वो टीचर भी बच्चे के साथ गलत हरकत करते हैं, इसको तो शर्म से डूब के अपने स्वतः मर जाना चाहिए। इस घटना की सूचना मिलते ही सोमवार को बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी पहुंचकर आक्रोशित होकर स्कूल को घेर लिया और उस शिक्षक को सामने लाने की बात करने लगे। हालांकि पुलिस जब सामने आई तब इस आरोपी शिक्षक को लाया गया। कहा जाता है कि ये शिक्षक 55 साल से ऊपर का है और इसने हार्ट सर्जरी भी करा रखी है। दो बेटियां हैं, बेटियां भी इसके सामने आकर अपने पिता के बचाव में आ गई। दरभंगा रोटरी क्लब मिडटाउन के द्वारा रविवार को स्थानीय एमएल एकेडमी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब मिडटाउन के द्वारा विगत कई वर्षों से विभिन्न स्थानों पर पेड़ पौधा लगाकर लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है ताकि एक ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट के तहत
लोगों के जीवन की सुरक्षा हो सके। गौरतलब है कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से मौतें या बीमारियां हो रही हैं। ऐसे में डॉक्टरों की सजगता निश्चित तौर पर एक नया संदेश लोगों को दे रही है। आज करीब 10 पेड़ एमएलए किट में लगाए गए और पेड़ लगाने के बाद उसे चारों तरफ से घेरा गया ताकि पेड़ को सुरक्षित रखा जा सके। इस संबंध में डॉक्टर आशीष शेखर श्रीवास्तव ने बताया कि इस पेड़ लगाने का मुहिम रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा है ताकि लोगों को हम अधिक संख्या में जागरूक कर सके। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। आज हम लोगों ने यहाँ पर 10 पेड़ लगाया है कि हम लोग अगर वृक्षारोपण करेंगे तो हमारा जो ये वेदर का प्रॉब्लम है, कभी बहुत ठंड, कभी बहुत गर्मी, बारिश, बेमौसम बारिश, ये सब काफ़ी कम हो जाएगा और इससे हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी इम्प्रूव करेगा और हमारे आने वाले पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। आज स्थानीय रोटरी क्लब मिड टाउन दरभंगा की ओर से हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है स्थानीय एमएलए एकेडमी नरिया से। आनंद मार्ग के द्वारा लगातार कई जगहों पर त्याग समाज को एक नई दिशा देने की बातें कही जाती है। नार का कार्यक्रम हम लोग 1969 से हम लोगों ने शुरू किया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो लोग साधक भाई बहने हैं वो अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जिस दर्शन का वो लोग अवलंबन कर रहे हैं, जिस दर्शन पर वो लोग चल रहे हैं, जिस साधना पद्धति को मान करके चल रहे हैं, उनसे उनका क्या पक्ष है, क्या उसमें विशेषता है, क्या। दरभंगा में रविवार को कई पंचायत उपचुनाव जिला प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्वक व निष्पक्षता से संपन्न किया। गौरतलब है कि दरभंगा में कई ऐसे जनप्रतिनिधि थे जिनके पद रिक्त थे, जिसमें पंच, वार्ड सदस्य शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने में बहादुरपुर एवं अन्य प्रखंडों के पदाधिकारी लगे रहे। चार कितना प्रतिशत अभी मतदान हो चुका है? 33%। कहाँ हो रहा है मतदान? सामुदायिक भवन सुधौली। दरभंगा DMCH में नए अधीक्षक के रूप में डॉक्टर आर प्रसाद ने आज पदभार ग्रहण किया। गौरतलब है कि इससे निर्वर्तमान DMCH अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा ने पदभार देते हुए दरभंगा DMCH के नई संभावनाओं एवं प्रयास के लिए डॉक्टर आर प्रसाद के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें पदभार दिया। गौरतलब है कि दरभंगा DMCH में तत्कालीन अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा के द्वारा कई कार्य नहीं हो पाए थे। उन्होंने आशा की कि नए अधीक्षक के रूप में डॉक्टर आर प्रसाद इस कार्य को संपन्न करेंगे। डॉक्टर आर प्रसाद दरभंगा के लिए नया नाम नहीं है। डॉक्टर आर प्रसाद इससे पूर्व रोटरी क्लब के साथ कई सामाजिक कार्यों की वजह से अपने आप को दरभंगा के बुद्धिजीवियों जनता के बीच प्रतिष्ठापित कर चुके हैं। वे एक अच्छे डॉक्टर भी हैं। इससे पूर्व दरभंगा नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से वो दरभंगा पहुंचे थे और इन्हें अधीक्षक के रूप में मनोनीत किया गया। इसके बाद दरभंगा DMCH के लोग एक नए आशा के साथ देखने लगे हैं। सोमवार को 10:30 बजे दरभंगा DMCH के अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने पदभार ग्रहण किया और लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पदभार ग्रहण करने के बाद DMCH के नए अधीक्षक के रूप में डॉक्टर आर प्रसाद ने कहा कि उनका कर्तव्य होगा कि वो सबसे पहले मरीजों की सेवा करें और मरीजों के लिए बेहतर प्रयास प्रारंभ करें। दूसरा मैं चिकित्सकों के बारे में सोचूंगा, क्योंकि
चिकित्सक और किसी के बीच में ये अस्पताल किसी की दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं चिकित्सक काम काज का अनुभव ऐसा है जिसमें वो पूरे अपने शक्ति का या अपने विवेक का 100% दे सके, उसके लिए उनका उनके असुरक्षित का जो माहौल बन जाता है कभी कभी वो नहीं, किसी तरह से कोई भी कंडा बनाने की कोई तैयार है डॉक्टर का, तो मैं उनकी भी सुरक्षा करूँ, पूरा इंतजार करूँ, मरीजों की भी सुरक्षा का, उनके परिजनों का भी, इसी तरह का पूरे दोनों के बीच में मरीज और जैसे कि जो तनाव का माहौल बन जाता है वो नहीं हो, और चिकित्सक डॉक्टर मरीज के लिए है उसकी देखभाल के लिए उसको बसी बीमारी से जैसे वो भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा ने इंसाम शेख को कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि नए अधीक्षक के रूप में डॉक्टर आर प्रसाद बेहतर कार्य कर मरीजों के लिए सुविधा प्रदान करेंगे जो वो नहीं कर पाए। अब दरभंगा डीएमसीएच में नए अधीक्षक के रूप में डॉक्टर आरा प्रसाद के आ जाने के बाद लोगों ने नई सोच और उनके प्रयास को सराहना प्रारंभ किया है। हालांकि डॉक्टर आरा प्रसाद ने कहा कि जल्द ही दरभंगा डीएमसीएच का स्वरूप बदलेगा और लोगों को लगेगा कि दरभंगा डीएमसीएच एक नए स्वरूप जनता के लिए है। इस मौके पर आज बड़ी संख्या में एचओडी के साथ दरभंगा के तमाम अधिकारी अस्पताल से जुड़े हुए सभी कर्मचारी मौजूद थे। सबों ने मिलकर नए अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद को बधाई दी और उनको विकास के कार्य एवं डीएमसीएच को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता देने की बात की। बहादुर प्रखंड के अधिकापति एवं एसपी ने पंचायत उपचुनाव में विजय हुए प्रत्याशियों ने कहा कि वो पंचायत की सेवा और विकास के लिए कार्य करेंगे। आपको जीत मिली है और जीत मिली है कितने वोटों से? 100 आपको कितने आपको किसने कितने मत आए? 112 तो क्या आप खुश हैं? जो संतुष्ट हैं? खुश हैं। और आपके प्रति पति का नाम? राम लगन। घर? गंगापति। वार्ड? 5 नंबर। आप किस वार्ड से खड़े? 5 नंबर वार्ड से। क्या हुआ? 80 वोट। 80 वोट आया आपको? बहादुरपुर में उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराए गए। चुनाव के नतीजे आने के बाद बहादुरपुर के बीडीओ ओम प्रकाश ने मिथिला मस्टिज को बताया कि यहां पर 2 पदों के लिए चुनाव हुए थे जिसमें पूनम देवी के साथ विजय घोषित किया। बहादुरपुर के हरपट्टी पंचायत में वार्ड नंबर 5 में वार्ड सदस्य का पद रिक्त था, उसके लिए आज चुनाव कराया गया था जिसका परिणाम आ चुका है। इसमें 2 कैंडिडेट थे, श्रीमती पूनम देवी को कुल 79 मत मिले हैं, जबकि श्री ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति के अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई जिसमें सभी पदाधिकारी विश्वविद्यालय के मौजूद थे। राजभवन में 30 जून को हुए कार्यक्रम को लेकर के समीक्षा की। इसके अलावा नए कुल सचिव के आने के बाद उनका स्वागत किया गया, सबों से परिचय कराया गया। इस मौके पर सभी पदाधिकारी मौजूद थे।
राजभवन के द्वारा बीएड के परीक्षार्थियों को लेकर ऐप को एनआईसी के द्वारा मान्यता देने के बाद यहां उसे लागू करने की बात की गई। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सोमवार को पूर्व कुलपति प्रोफेसर फरमासा झा के असामयिक निधन के कारण एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह, कुल सचिव मुस्तफा कमाल अंसारी, नवनियुक्त कुल सचिव निशित कुमार राय, भोला चौरसिया के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। साथ सभी अधिकारी मौजूद थे। शोक सभा के बाद सबों ने उनके कार्यों की समीक्षा करते हुए सराहा और डॉक्टर परमासा झा के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय में किए गए कार्यों को याद किया गया। बायसी मेहतर समाज संस्थान के द्वारा प्रत्येक रविवार को शमशान घाट की सफाई की जाती है। इन लोगों के द्वारा निस्वार्थ रूप से किसी भी शमशान घाट में कचरा, कपड़े का अंबार को सफाई कर आम लोगों के लिए किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि शमशान घाट पवित्र स्थान है जहां पर सैकड़ों लोग आते हैं, इसलिए घाटों की सफाई वो निस्वार्थ कर रहे हैं। इसकी अध्यक्षता रामाशीष राम के द्वारा की गई। सोमवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुल सचिव पद के लिए डॉक्टर निशित कुमार राय ने आज पदभार ग्रहण किया। गौरतलब है विगत दो माह से इस बात की चर्चा थी कि सेना से रिटायर होने के बाद डॉक्टर निशित कुमार राय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद पर ग्रहण करेंगे। अटकलों का विराम लगते ही सोमवार को उन्होंने शपथ लेकर विश्वविद्यालय के कार्य के विषय में सोचना प्रारंभ किया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ सभी अधिकारी मौजूद थे, जिसने कुल सचिव के पद ग्रहण करने के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी। डॉक्टर नीतीश कुमार राय, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, उनको मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय नई दिशा और दशा तय करेगा। इसी बात बहुत कुछ खट्टी मीठी याद है जो कोई नहीं, विश्वविद्यालय में मैंने एक साल चार महीने तक एज ए कुल सचिव रजिस्ट्रार काम किया, सबों का सहयोग प्राप्त हुआ, टीचिंग नॉन टीचिंग हो चाहे ऑफिसर्स हो, कहीं भी कोई कमी नहीं रही। मैंने सुचारू रूप से विश्वविद्यालय को उनके सहयोग से चलाया, उन सबों का मैं आभार हूँ। वहीं दूसरी तरफ कुल सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर निशित कुमार राय ने कहा कि कुलाधिपति के द्वारा उन्हें बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिसका वो पूरी तरह पालन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग अपने आप में अनुशासित होते हैं, बशर्ते उन्हें सही राह दिखाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि निशित कुमार राय के पूर्व में सेना से रिटायर होने के बाद इस क्षेत्र में आने को लेकर के लोगों में अलग तरह की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने आज पत्रकारों के साथ वार्ता में इस बात को साफ कर दिया कि वो विश्वविद्यालय के विकास के लिए कार्य करेंगे, छात्र छात्राओं के समस्या को दूर करेंगे और हर संभव जो कुलाधिपति ने उन्हें दायित्व दिया है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज ग्रहण करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है और ये एक बहुत बड़ा दायित्व मुझे दिया गया है कुलाधिपति महोदय की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उन्होंने जो ये दायित्व दिया है उसका मैं अपनी पूरी लगन के साथ उसके ऊपर मैं खरा उतर सकूँ। मेरा मानना है कि हर एक आदमी डिसिप्लिन्ड होता है, सिर्फ उसको राह दिखाने की ज़रूरत है, और अगर किसी को सही प्रकार से राह दिखाया जाए तो हर एक आदमी के अंदर एक डिसिप्लिन्ड आदमी छुपा होता है।
तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसमें सफल हूँ।